गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अवर मॉरल साइंस क्लास. ओके, फर्स्ट लेसन वी हैड कंप्लीटेड एंड आई हैव आल्सो सेंड क्वेश्चन आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड लेसन. द नेम ऑफ सेकंड लेसन इज फोर जेम्स. जेम्स मीन्स रत्न होते, चार अनमोल रत्न की स्टोरी है इसमें. ठीक है, द स्टोरी अबाउट अ रिच मैन. ही हैड अ फोर डॉटर. ही हैड मोर प्राउड ऑफ देम because his eldest daughter is very beautiful and he loved very much her among them. Okay, now second daughter is also his favorite daughter because she is very intelligent and studious. And third is also loved her father more because he had a lot of patience and gave a suitable advice to her father for any problem. एंड फोर्थ डॉटर इज हाउस होल्ड, मतलब क्या कहते हैं उसको, घर में काम वाम करती रहती है. शी इज वेरी काम एंड क्वाइट, वो बहुत शांत स्वभाव की लड़की रहती है. बट हिज फादर डजंट टेक केयर टू मच अमंग देम. सो वी विल रीड इन द बुक. नाउ लेट्स सी द बुक. यस, दिस इज अवर स्टोरी. A rich man had four daughters. He was very proud of his daughters. He had special feelings for his eldest daughter as she was the most beautiful among all. He took great care of her and always gave her the best. ये पैराग्राफ है. इस पैराग्राफ में जो एक रिच मैन बताया है उसकी फोर डॉटर्स हैं. He was very proud of his daughter. उसको सभी अपनी लड़कियों पे बहुत घमंड रहता है और स्पेशल फीलिंग उसके लिए और रहती है, वो बड़ी वाली डॉटर के लिए रहती है क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है चारों में और उसकी ज्यादा ध्यान रखता है वो और उसको अच्छे से अच्छा उसके लिए करने की कोशिश करता है. ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ. द रिच मैन आल्सो लव्ड हिज सेकंड डॉटर वेरी मच. ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर विजडम एंड ऑलवेज वॉन्टेड टू शो हर ऑफ टू हिज फ्रेंड्स. शी वॉज फेमस फॉर हर ब्रिलियंस एवरीवेयर. His friends too appreciated her for her intelligence. She remained busy studying various subjects and her father arranged everything to give her the best knowledge. Second daughter भी उसको बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उस पर घमंड भी करता है, उसके मतलब उसकी बुद्धिमानी पे, और वो उसके दोस्तों को बताता है कि देखो मेरी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है, कितना दिमाग है उसके पास, और उसकी सब दूर बात करता है. और उसके जो फ्रेंड्स है वो भी उसको बहुत अप्रिशिएट करती रहती सब लोग, है ना, उसको सारे सब्जेक्ट का बहुत नॉलेज है, वो बहुत स्टडी करती रहती है. ठीक, अब हम थर्ड पैराग्राफ को पढ़ेंगे. द थर्ड डॉटर वॉज ऑल्सो बिलवड ऑफ हर फादर. शी हैड लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस. इनफैक्ट द रिच मैन हैड द मैक्सिमम कॉन्फिडेंस इन हर. व्हेनेवर ही फेस्ड एनी प्रॉब्लम ही यूज्ड टू ऑलवेज कंसल्ट हिज थर्ड डॉटर who would quickly think of a solution with her smart mind to help her father to come out through any of those problems easily. अब जो थर्ड डॉटर है वो भी उसके पिताजी को बहुत पसंद थी, उसके पास बहुत पेशेंस है, प्रिजर्वेंस है, दृढ़ता वगैरह बताया था मैंने आपको पिछले क्लास में. रिच मैन हैज मतलब बहुत ज्यादा उस पर कॉन्फिडेंस रहता है रिच मैन को कि कोई भी प्रॉब्लम आती थी वो इजीली हैंडल कर लेती थी और सारे सॉल्यूशन भी पापा को जल्दी से जल्दी बता देती थी. तो इस बात का उसको बहुत घमंड रहता था कि थर्ड लड़की भी मेरी बहुत अच्छी है. नाउ नेक्स्ट करेगा. द रिच मैन्स फोर्थ डॉटर वॉज टू काम एंड क्वाइट बट वॉज वेरी लॉयल टू हर फादर. फोर्थ जो डॉटर है वो बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव की, चुप रहने वाली और उसके पिताजी की तरफ बहुत लॉयल होती है. द रिच मैन डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हर एंड टू लीस्ट केयर ऑफ हर. The rich man did not pay any attention to her and took least care of her. She took great care of the household. She loved her father, but she never bothered about that. She was very sincere. अब उसको वो घर के कामों में उलझी रहती थी, दिन भर अपने घर का ध्यान रखना, पिताजी की देखभाल करना, यही सब उसका काम होता था. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. Time was passing happily. The daughters were also growing up and were superb in their own field. The merchant grew old in due course of time.
अब टाइम पास होता गया, मतलब समय निकलता गया, लड़कियां बड़ी होती गई और अच्छी अच्छी अपनी फील्ड में बढ़िया से बढ़िया पोस्ट पे सर्विस करती होगी, ये सब तो नहीं बताया इसमें, लेकिन अच्छी हो गई थी। द मर्चेंट ग्रू ओल्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब मर्चेंट जो था वो भी अब टाइम के हिसाब से बुढ़ा होते जा रहा था। वन डे ही फेल इन, द डॉटर्स मेड अरेंजमेंट्स ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हिम, ही वॉज कॉन्स्टेंटली अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डॉक्टर बट स्टिल हिज कंडीशन डिटेरियोरेटेड कंटिन्यूअसली। अब वो लड़कियों ने क्या किया, उसकी सब व्यवस्था कर दी थी, इंतजाम कर दिए थे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था उसको देखने के लिए और अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज उसके लिए अवेलेबल कर दी थी। और बट फिर भी उसके जो कंडीशन थी वो दिन पर दिन कम होती जा रही थी, मतलब जो बुढ़ा होता है व्यक्ति उसको इलाज भी कभी कभी सूट नहीं करता है ना, धीरे धीरे उसकी मतलब वो कमजोर होते जा रहा था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, ही बिकम वेरी सैड, ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई सून, ही थॉट अबाउट हाउ लोनली ही वुड बी एट हिज डेथ टाइम। अब वो सोच दुखी हो जाता है, सोचता है कि अब मेरे आखिरी वक्त में मेरे पास कौन रहेगा, कोई भी नहीं है, अब मैं किसके सहारे रहूंगा, मेरे साथ कौन सी लड़की रहेगी, ये सोचता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, सो ही कॉल्ड हिज फर्स्ट एंड द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ ऑल हुम ही कंसिडर्ड द बेस्ट एंड लव्ड द मोस्ट, ही हैड ऑलवेज शोवर्ड केयर ऑन हर एंड इंडोर्ड हर विद द फाइनेस्ट ड्रेसेस। अब उसको पहली लड़की याद आती है कि उस लड़की को मैं अपने पास बुलाता हूँ, उससे ही वो मेरा ध्यान रखेगी, जिसको मैंने बहुत प्यार किया है ना, और उसको मैंने अपना सब कुछ लुटाया जो कि उसको चाहिए था, अच्छी ड्रेसेस दिखने करने के लिए जितना वो अपना वो करती थी, सब कुछ मतलब उसके लिए जो जो वो कर सकता था वो कर दिया उसने। ठीक है, ही केप्ट हिज कंडीशन बिफोर हर एंड आस्क्ड हर वेदर शी वुड फर्स्ट डॉटर को वो सोचता है कि मैं बुला लूं अपने पास और वो मेरी देखभाल करेगी, मेरा ध्यान रखेगी, है ना, और मुझे उसके साथ रहने को भी मिल जाएगा। उसने वो पूछता है, उसको बुलाता है, एंड द टाइम ऑफ डेथ ही वॉज फीलिंग वेरी लोनली, उसको ऐसा लगता है मैं बहुत अकेला हूँ। शी जस्ट श्रग्ड हर शोल्डर्स विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग एंड वॉक्ड अवे, हर रिप्लाई वॉज लाइक अ पियर्सिंग अ शार्प नाइफ राइट इन टू द हार्ट ऑफ द फादर। वो लड़की जब सुनती है कि पापा को मेरी जरूरत है या फिर, पर उसके उसको उसके उसके पास टाइम ही नहीं रहता है, वो अपने से शोल्डर्स को उचका कर चली जाती है और कुछ भी जवाब नहीं देती है ना। उसके पिताजी को इतना दुख होता है, उसके ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे हृदय में कुछ नुकीली चीज चुभा दी है। डिसअपॉइंटेड द सैड मैन कॉल्ड हिज सेकंड डॉटर ऑन होम ही वॉज वेरी प्राउड बिकॉज शी वॉज वाइजेस्ट अमंग ऑल, द फादर एक्सप्रेस्ड हिज लोनलीनेस बिफोर द डॉटर एंड आस्क्ड हर फॉर अ कंपनी मैन एट द डेथ ऑफ बेड, बट शी डिनाइड सेइंग दैट शी हैड मच टू डू यूजिंग हर इंटेलिजेंट माइंड एंड शी कैन नॉट स्पेंड एनी टाइम विद हर फादर। अब वो निराश व्यक्ति, दुखी व्यक्ति अपनी सेकंड डॉटर को याद करता है जिसपे उसको बहुत घमंड होता है उसकी इंटेलिजेंसी पे, लेकिन जब फादर को उसकी जब जरूरत होती है तो उसकी जो लड़की रहती है वो क्या कह देती है कि पापा मेरे जो माइंड है उसके लिए मुझे अभी बहुत काम है, मतलब इन सब चीज़ों मेरे माइंड की बहुत ज़रूरत है सब दूर, इसलिए मुझे यहाँ पर आपके पास आने का कोई टाइम नहीं है। द रिच मैन वॉज डिसअपॉइंटेड दैन विथ ग्रेट एक्सपेक्टेशन ही कॉल्ड हिज थर्ड डॉटर हु वॉज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल एंड कूल माइंडेड पर्सन, ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू हेल्प एट दिस क्रूशियल टाइम ऑफ हिज लाइफ। अब थर्ड डॉटर को याद करता है, थर्ड डॉटर जो बहुत माइंडेड है, जो मेरी हमेशा हेल्प करती थी, वो जरूर मेरी इस बुरी मुसीबत वाले समय में मेरा साथ देगी। ही वॉन्टेड टू नो वेदर शी विल बी एबल टू स्पेयर समटाइम्स फॉर हिम, शी टोल्ड सॉरी एंड सेड दैट शी वुड ओनली बी एबल टू अकंपनी हिम अप टू हिज फ्यूनरल। द रिप्लाई केम लाइक अ बोल्ट ऑफ थंडर एंड द रिच मैन वॉज डिस्ट्रेस। अब तीसरी लड़की तो इतना खतरनाक जवाब देती है कि जब आपकी डेथ होगी तब मैं फिर फ्यूनरल में आ पाऊंगी, इससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। सडनली एन अनएक्सपेक्टेड वॉइस वॉज हियर्ड फ्रॉम सम कॉर्नर ऑफ द मेंशन एंड समबडी वॉज एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ हिम, इट वॉज नोबडी बट द रिच मैन्स यंगेस्ट डॉटर हु वॉज ऑलवेज निग्लेक्टेड बाय हिम। अचानक से एक आवाज आती है जिसमें वो बोलती है अपने पापा से कि पापा मेरे पास बहुत टाइम है आपके साथ, आपको साथ बिताने के लिए, और वो कोई लड़की नहीं, और वो कौन सी लड़की थी, फोर्थ वाली लड़की थी जिसको कि जो रिच मैन ने हमेशा निग्लेक्ट किया था। हर वॉइस बिकेम फीबल एज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन,
मतलब उसकी जो इतनी कमजोर दिख रही थी वो दिखने में एकदम ही स्ट्रॉन्ग, भी इतनी कमजोरी से निकली तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कहीं कुपोषण का शिकार हो गई है, बहुत दुबली पतली। शी केम बिफोर हर फादर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम देट द मर्चेंट कुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हर। बहुत समय बाद उसकी पापा ने उसको देखा तो पहचान भी नहीं पाती। शी वॉज लुकिंग एक्सट्रीमली पेल, मतलब एकदम ही वो कमजोर सी हो गई, एकदम मद्दी पड़ गई। द शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू स्पेंड एज मच टाइम एज वॉज रिक्वायर्ड बाय हर फादर, मतलब उसके पास सबसे ज्यादा टाइम उसी के पास था जितना कि उसके पापा को चाहिए था बिताने के लिए उसके साथ। द रिच मैन वॉज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर टूवर्ड्स हर, ही सेड दैट ही शुड हैव टेकन मैक्सिमम केयर ऑफ हर, ही आस्क्ड हर टू फॉरगिव हिम बट शी वॉज काम एंड क्वाइट। अब क्या होता है कि उसके जो पापा को बहुत शर्म आती है कि अरे यार मैंने तो इतना बुरा करा इस लड़की के साथ, इसको तो मैं कभी भी ध्यान नहीं देता था और ये है कि बेचारी मेरे पे पूरा ध्यान देती है। एंड रेडी टू एनीथिंग, मतलब कुछ भी काम करने के लिए वो तैयार थी। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड एक्चुअली एवरीबडी हैज फोर डॉटर्स इन द इन देयर लाइफ। If you look around, you will find actually everybody has four daughters in their first daughter. Is our body. मतलब हम देखें तो चारों daughters हमारे आसपास होती है। जैसे कैसे कि first daughter जो है वो हमारी body होती है। We spend a lot of time and put lot of efforts to make good. But when we leave the world, but our body, status and wealth are the second daughter. अब जब हम पूरा टाइम पूरा ध्यान हमारे बॉडी पे देते हैं लेकिन जब मरने की स्थिति आ जाती है तो ये सब चीजें हमारी यहीं की यहीं छूट जाती, सेकंड डॉटर जैसी जो कि हमको मरने के लिए छोड़ देती। द थर्ड डॉटर इज जस्ट लाइक अवर फैमिली एंड फ्रेंड हु आर द देयर फॉर अस व्हेन वी आर अलिव। और जो थर्ड डॉटर है वो कैसी फैमिली फ्रेंड और वगैरह जैसे रहते ना, जैसे जब तक जिंदा रहे तब तक तो साथ रहते हैं, यहाँ तक कि जब मर जाते हैं जलाने जाते हैं जब तक भी साथ देते हैं, लेकिन उसके बाद तो कोई ध्यान किसी का जाता भी नहीं कि कौन था क्या था। आफ्टर दैट वी आर ऑल अलोन सोल विच इज लाइक द फोर्थ डॉटर, ऑफन निग्लेक्टेड ड्यू टू वेल्थ एंड अदर प्रोजेक्शन ऑफ लाइफ बट एक्चुअली इट ओनली फॉलो एज वेयर एवर वी गो। बस जो सोल है हमारी आत्मा जो है वो ही हमारी फोर्थ डॉटर जैसी होती है जो कि वो हमारे साथ ही रहती है। बाकी सब दुनिया की जगह चौन हम चाहे जिसके लिए जितनी भी मेहनत कर ले इससे कहाँ भागते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अच्छा दिखने के लिए हम क्या नहीं करते हैं, लेकिन हम ऐसे भागते हैं हर चीज के लिए कि हमारे पास जो एक आत्मा है वो आत्मा ही हमारे साथ रहती है आखिरी तक। तो हमको हमारी आत्मा की सुनना चाहिए, हम ऐसे काम ना करें जिसमें बस हमको फायदा मिल रहा है ये कर रहे, लेकिन हमारी आत्मा की जो कहना चाह रही है उसकी तरफ ध्यान दें। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, डोंट रन आफ्टर द मटेरियलिस्टिक थिंग, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज विद इन यू एंड योर सोल। मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग है ना भौतिक बात, मतलब जो दिखावा है जिसमें अपने को चकाचौंध दे उसके तरफ न भागते हुए अपनी आत्मा की तरफ ध्यान से अपनी आत्मा क्या कहना चाह रही है हमको अपनी आत्मा पे ध्यान देना चाहिए। ये हमारी स्टोरी हो गई है कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूंगी, ठीक है। थैंक यू।